केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि पटना पहुंचते ही सबसे पहले नड्डा ने 7 अमर शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के एमपी, एमएलए और एमएलसी के साथ अहम बैठक की और प्रदेश कार्यालय में ही आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पैरालंपिक खिलाड़ी सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनसे मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला है। मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितनी तवज्जो दी है, ओलंपिक में विशेष भागीदारी बने इसको लेकर खास योजना बनाई गई है और उन्होंने पैरालंपिक को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है। ओलंपिक हो या पैरालंपिक, प्रधानमंत्री का ही कमाल है। आज हम लोग बहुत आगे हैं। प्रधानमंत्री ने खेल का बजट बढ़ा दिया। भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्र बने हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स में जो स्थान का बना है और जो वो विदेशी होके आए हैं, उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरालंपिक्स के अंदर प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति पाई, उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो क्रीड़ा सेल के लोगों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन करने का। मित्रों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता था। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाएं, एक जिसको कहा जाए कि एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। मैं हमारी भागीदारी बढ़े इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बना करके काम को आगे बढ़ाया और सबके लिए ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो, सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है। और जो विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया, यानी इतनी बारीकियों में जाकर वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं, ये हम सब लोगों ने देखा। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जेपी नड्डा ने विश्वास दिलाया कि आप आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है। जिनको मेडल मिला है उनको बधाई, और जो रह गए हैं वो अगले साल मेडल लेकर के आएंगे। पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, आपको सारी सुविधा और ट्रेनिंग मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।